बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइस बॉन्ड मीडिया पाकिस्तान। तो दोस्तों, जैसा कि 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड जिसकी करंदाजी 3 फरवरी 2020 को होगी फैसलाबाद में, तो इसकी मकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से बॉन्ड खरीद सकते हैं, कहां बेच सकते हैं, कैसे प्राइस बॉन्ड क्लेम करेंगे, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी करंदाजी में इनामत निकलते हैं, फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है और कितने परसेंट चांसेस होते हैं प्राइस बॉन्ड निकलने के। तो ये प्राइस बॉन्ड आप देख सकते हैं इस तरह का नीले कलर का। इसके मैं की फीचर्स पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो में से देख सकते हैं। तो आगे चलने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं और फरोख्त कर सकते हैं, इनामी रकम भी वहीं से आप वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ड्रा नंबर 32 3 फरवरी 2020 को फैसलाबाद में करंदाजी होगी। जैसे ही करंदाजी होगी उसके नतीजे आपके साथ इसी चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे। आपको ये प्राइस बॉन्ड लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी, लेकिन आपने अपनी सेफ्टी के लिए और सही इन्वेस्टमेंट के लिए कौमी बचत या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर ही जाना है, नहीं तो बाइट बहुत ज़्यादा नौसरबाजी हो रही है जिससे आपको जाली बॉन्ड भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक मुकम्मल 2020 की मैंने इसकी चार दफ़ा करंदाजी होगी, चारों की लिस्ट तैयार की है जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2020 को ड्रा नंबर 32 पीर वाले दिन फैसलाबाद में करंदाजी होगी। उसके बाद ड्रा नंबर 33 4 मई 2020 पीर के दिन रावलपिंडी में करंदाजी होगी। तीसरी करंदाजी 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की 3 अगस्त 2020 पीर के दिन लाहौर में होगी। और चौथी करंदाजी ड्रा नंबर 35 2 नवंबर 2020 पीर के दिन पेशावर में होगी। ये करंदाजी आप लाइव जाकर इनके सेंटर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जहां पर यह करंदाजी होती है। तो ज़्यादा चांसेस प्राइस बॉन्ड के नाम लगने के कब होते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा प्राइस बॉन्ड नहीं निकला, ये तो वो मिक्स कापी होती है उनके पास। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्राइस बॉन्ड निकलने के चांसेस उसी सूरत में होते हैं कि आपके पास एक कंप्लीट सीरीज़ हो, 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 1,000 तक का कंप्लीट बंडल हो। अगर जब आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आपके पास एक भी प्राइस बॉन्ड है तो वो भी निकल आता है। ये टोटल डिपेंड करता है लक पे, इसमें कोई आकड़ा शाकड़ा नहीं होता। इसमें आपकी सीरियल वाइज अगर आपके पास है तो आपका प्राइस बॉन्ड निकल आता है, नहीं तो नहीं निकलता। बहुत से लोग गलत रूटीन और आंकड़े वगैरह वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें टोटल लक आपकी अगर अच्छी है तो आपके पास एक भी है तो अल्लाह के हुक्म से वो भी निकल आएगा, नहीं तो पूरी सीरियल में से भी नहीं निकलता। अच्छा, फाइलर नॉन फाइलर को कितनी रकम मिलेगी? तो दोस्तों, सबसे पहला इनाम होता है इसका 5 करोड़ रुपये मालियत का। उसके बाद 3 इनाम होते हैं 1 करोड़ 50 लाख मालियत के, और 1696 इनाम होते हैं 3,12,000 रुपये मालियत के। तो अगर आप फाइलर हैं, आपका पहला इनाम निकल रहा है, तो आपको 15% टैक्स कटने के बाद मिलेंगे 4 करोड़ 25 लाख रुपये। ये टेबल मैंने अपने तौर पर बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको मिलेंगे 3 करोड़ 50 लाख। इसी तरह अगर आपका दूसरा नाम निकला है 1 करोड़ 50 लाख मालियत का, तो आपको फाइलर होने की सूरत में मिलेंगे 1 करोड़ 27 लाख 50 हज़ार, नॉन फाइलर होने की सूरत में 1 करोड़ 5 लाख रुपये मिलेंगे। अगर तीसरा नाम आपका निकला है 3,12,000 रुपये का, तो फाइलर होने की सूरत में आपको मिलेंगे 2,65,000, नॉन फाइलर होने की सूरत में 30% कटने के बाद 2,18,400 रुपये मिलेंगे।
इस अमाउंट के साथ ये जो अमाउंट लिखी हैं फाइलर नॉन फाइलर की, जो आपका प्राइस बॉन्ड होगा उसकी भी आपको रकम अमाउंट मिल जाएगी 25,000 रुपये। क्योंकि जैसे ही वो चेक क्लेम करेंगे, आपका प्राइस बॉन्ड क्लेम करेंगे, तो आपको उसकी अमाउंट भी मिल जाएगी, क्योंकि वो प्राइस बॉन्ड को अपने पास रिकॉर्ड में जमा कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि नामी रकम किस तरह मिलेगी। तो सबसे पहले आपने स्टेट बैंक जाना है, वहाँ पर जाकर बॉन्ड जो फिल करना है उसका फार्म एक मिलेगा, उस पर अपना डेटा और करारदादी का नंबर सब कुछ फिल करना है। शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगानी है, असल शनाख्ती कार्ड भी लेकर जाना है, और प्राइस बॉन्ड की एक कापी अटैच करनी है। असल प्राइस बॉन्ड साथ लेकर जाना है जिसे क्लेम करवाना है, और दोनों प्राइस बॉन्ड कापी और असल पर बैक साइड पे आपने दो दो दस्तखत कर देने हैं। ये तमाम चीज़ें वेरीफाई करने के बाद बैंकर आपको प्राइस बॉन्ड की जो अमाउंट होगा वो आपके हवाले कर देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।